गोकुल धाम में कई बार बहुत सारी गौ माताएं ऐसी आती हैं कि किसी गौ माता के पेट में बच्चा मर जाता है और वो दर दर भटकती है गौ माता कि उसके बच्चे को कोई निकालने वाला हो, उसको उस कष्ट से कोई राहत दिलाने वाला हो। और इस पीड़ा को जो मेरी मातृशक्ति है वो अच्छे से समझ सकती है कि उस गौ माता पे क्या बीत रही होगी उस समय जब उस गौ माता के पेट में बच्चा मरा हुआ है, आधा बच्चा बाहर लटक रहा है और आधा बच्चा अंदर फंसा हुआ है। गोकुल धाम में अनुभवी डॉक्टरों की टीम है, वो उस गौ माता का सीजेरियन ऑपरेशन करते हैं और उस गौ माता को नया जीवन मिलता है। गोकुल धाम में ऐसे 4000 से अधिक गौ माताओं का सीजेरियन ऑपरेशन करके गोकुल धाम ने उन गौ माताओं की जान बचाई है। गोकुल धाम में स्पेशली बीमार गौ माताओं की सेवा की जाती है और गौ माताओं के साथ साथ गोकुल धाम में सभी जीवों की चिकित्सा होती है। गोकुल धाम में बहुत सारी गौ माताएं इतनी दयनीय और दर्दनाक हालत में आती हैं कि एक्सीडेंट में किसी गौ माता का एक पैर कट जाता है, किसी गौ माता के चारों पैर एक्सीडेंट में कट जाते हैं। किसी गौ माता के ऊपर किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगा रखी है, किसी गौ माता के ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया और किसी के ऊपर कुल्हाड़ी मार रखी है और दर्द से कराहती हुई रोती बिलखती गौ माताएं गोकुल धाम में 15 एम्बुलेंसों के माध्यम से प्रतिदिन 30 से 40 गौ माताएं लाई जाती हैं और ये पूरी की पूरी सेवा निःशुल्क है। और आप सभी गौ भक्तों के सहयोग से गोकुल धाम पिछले 10 वर्षों में 80,000 से अधिक गौ माताओं की चिकित्सा व सेवा कर चुका है। मैं आप सभी गौ भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले इस बारिश के समय में हमारी जो व्यवस्था है वो कम ना पड़े और उसके लिए आप हमें गौ माताओं के लिए जो शेड की जो कमी है उसमें आप शेड बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं, इसमें दवाइयों का सहयोग कर सकते हैं, एम्बुलेंस का सहयोग कर सकते हैं। आपका छोटा सा ये सहयोग बहुत सारी गौ माताओं की जान बचा सकता है। जय गौ माता, जय गोपाल।